हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे पर्पल पैच का मीनिंग क्या होता है। तो आपने सुना होगा ऐसा बोलते हुए किसी को कि उसका पर्पल पैच चल रहा है या आजकल वो अपना पर्पल पैच एंजॉय कर रहा है। तो इस पर्पल पैच का मीनिंग क्या है और इसका ओरिजिन क्या है और सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। If someone, especially a sport player or team, goes through a purple patch, means they are very successful or lucky for a period. तो suppose that कोई team है लगातार जीत रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस team का purple patch चल रहा है। A run of success or good luck, ठीक है। यह हम ये भी कह सकते हैं कि कोई person है, कोई इंसान है और वो लगातार बहुत अच्छा कर रहा है अपने जीवन में रिसेंटली, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसने पर्पल पैच हिट कर लिया है या उसका पर्पल पैच चल रहा है। तो बेसिकली पर्पल पैच एक पॉजिटिव चीज़ है और अगर पर्पल पैच किसी का चलता है तो यानी वो बहुत ही अच्छी सक्सेस, एक कंटिन्यूस सक्सेस एंजॉय कर रहा है। अंडरस्टैंड। अब देखो, इसका ओरिजिन जो है ये बहुत पुराने टाइम से है। तो ये एक, जब कोई राइटिंग है, राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में पर्पल पैच को यूज़ किया जाता था। तो सपोज़ दैट कोई पर्सन कुछ लिख रहा है, लिखते लिखते बीच में एक ऐसा वो पैराग्राफ लिखता है जिसमें जो राइटिंग है वो एकदम डिफरेंट है, एकदम जिसे कहते हैं कि एकदम एक्स्ट्रावेगेंट और बहुत अच्छी तरह से उसने आर्टिस्टिकली उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है। और वो जो वहाँ पर लिखा हुआ है वो बाकी जो राइटिंग है उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट, एकदम विपरीत है। बीच में जो है, केवल बीच वाले एक पार्ट में जो राइटिंग है वो एकदम, जिसे कहते हैं कि एकदम एक्स्ट्रावेगेंट राइटिंग है, एकदम ब्यूटीफुल राइटिंग हम जिसे कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो बीच में एक पर्पल पैच है, वो जो राइटिंग है दैट इज़ अ पर्पल पैच। अंडरस्टैंड। तो वहाँ से ये शुरू हुआ है। अच्छी बात। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि पर्पल पैच क्यों, पिंक पैच क्यों नहीं या ग्रीन पैच क्यों नहीं? क्योंकि जो पर्पल कलर होता है वो रोमन्स का एक हाई सोसाइटी का कलर माना जाता था और उनके जो कपड़े होते थे वो भी पर्पल कलर के होते थे। जो हाई क्लास सोसाइटी में जो उनके रॉब्स होते थे वो पर्पल कलर के होते थे, इसीलिए पर्पल मीन्स हाई क्लास, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं गुड फॉर्च्यून टाइप से। ऑलराइट। और इसके एग्जाम्पल इस तरह से आप दे सकते हैं, ही हैज़ हिट अ पर्पल पैच इन हिज करियर। तो उसने अपने करियर में पर्पल पैच हिट कर लिया है, ठीक है ना। हिज पर्पल पैच इज स्टिल गोइंग ऑन, उसका पर्पल पैच अभी भी चल रहा है, यानी अभी भी वो बहुत अच्छी सक्सेस एंजॉय कर रहा है। ऑलराइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा पर्पल पैच का मीनिंग क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।